अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोदियन अकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लास के लेवल वन में मैथ में आज हम काउंटिंग सीखेंगे 30 की लाइन वाली। 21 से लेकर 30 पे एंड किया था, अब आज हम सीखेंगे 31 से लेकर 35 तक की काउंटिंग। जी जनाब, 30 की लाइन का मतलब क्या है कि 31। 30 की लाइन में किससे शुरू होता है? 3 से। सारे जो नंबर आते हैं वो 3 वाली लाइन के आते हैं, और फिर इसके बाद हम 1 2 3 4 5 इस तरह ये लिखते हैं और ये बन जाता है 31 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35। ठीक है ना, आपको याद होगा कि हमने पिछली वीडियो में अपने 1 से लेकर 30 तक की काउंटिंग सीख ली थी और आज हम सीखेंगे 31 से 35 तक। आपको ये याद है ना कि जो पहली लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट वाली 1 की लाइन, और जो ये वाली लाइन है इसको हम कहते हैं टेंस। क्या कहते हैं? टेंस। तो जनाब 31 32 33 34 35। अब जो हमने लिखना है 31, तो हम कैसे लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे 31 में 3 और फिर ये 1। आपको पता है ना कि नंबर का साइज बॉक्स के हिसाब से होना चाहिए, कि ऊपर तक ना हो, नीचे ना हो लाइन से, ये दोनों साइड वॉल को इसकी लाइन को टच ना करें, सेंटर में हो बिल्कुल। अगर मैं ऐसे लिखूं और ऐसे लिखूं तो ये एक कॉर्नर पे आ गया और ये अच्छा तो नहीं लग रहा। आप देखिए ये और ये लुकिंग वेरी नाइस, लेकिन ये लुक में अच्छा नहीं लग रहा, इसका बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा देखने में भी कि एक कॉर्नर पे आ गया। और अगर मैं ऐसे लिखूं, ये लग तो रहा है राइटिंग के हिसाब से कि एक किसी बड़े ने लिखा है, लेकिन ये इस बॉक्स के हिसाब से भी नहीं अच्छा लग रहा है कि इतना बड़ा लिखा हुआ है। तो हमने बॉक्स के साइज को देखते हुए नंबर की राइटिंग करनी है, नंबर राइट करना है। तो जनाब इस बॉक्स के हिसाब से आपने इसके सेंटर में लिखना है 3 और यहाँ पे लिखना है 1। तो ये बन गया 31। ठीक है, अब हम लिखेंगे 32। मेरे साथ बोले 32 32 32। लिखा 3 और इसके बाद हमने लिखा 2 32 32 32 32। अच्छा जी, इसके बाद हम लिखते हैं 33। अब ये देखें ये 3 कितना मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो मुझे नहीं पसंद आया, मैं इसको रेज करूंगी। बच्चे आप लोगों को भी कोई चीज पसंद ना आए तो बेटा आपने क्या करना है, रेज करना है पेंसिल से। आप जब कॉपी पे लिख रहे हो या ट्रेसिंग कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा या कोई आपको देखते ही अजीब सा फील आता है ना कि नहीं ये तो सही नहीं लिखा हुआ, इतना सेंस आप में होना चाहिए कि आपको सही और गलत अच्छे से समझ में आए, तो आप ये खुद अपनी करेक्शन कर सकते हैं। तो हमने देखा कि अच्छा नहीं लग रहा, हमने इसको रेज किया और हमने दोबारा लिखा 33। फिर इसके बाद 34 34। लेकिन देखेंगे इसके वॉल से टच हो गया ना, तो हम इसको रेज करेंगे, हमें ये सब चीजें भी ध्यान रखनी है। और 34, फिर इसके बाद 35 35। तो जनाब इस तरह आपने लिखना है, और आपको ये मैंने ट्रेसिंग आपको बता चुकी हूँ अलग अलग नंबर्स की, और जब हम एक साथ कर रहे हैं तो ऐसी बात है, अब हमें इतना आ गया है कि हम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं खुद से आराम से सेल्फ राइटिंग पे भी। तो वन मोर टाइम मेरे साथ रीड कर लीजिए, 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35। अब आप 35 तक आपको बेटा काउंटिंग आ गई है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने कॉपीज में देखना है, आप अलग अलग लिखे नंबर। अब मैं अगर ये नंबर लिखूं, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा 30, बस सेंटर में मैंने एक नंबर ऐसे ही रैंडमली लिख के पूछा कि ये पढ़ के बताएं, तो आपको पढ़ना आना चाहिए ये क्या लिखा हुआ है, 34। तो आपको ऐसे नंबर पढ़ने आने चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं। ओके जनाब, तो एक दफा हम काउंटिंग कर लें 1 से लेकर 35 तक, बोर तो नहीं होंगे ना आप लोग, आपकी अच्छा है, आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी और रिवाइज हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम आराम से बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद किसकी लाइन आती है? 11 की लाइन। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 के बाद किसकी लाइन आएगी? 21 की। 21 यानी 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 30 30। इसके बाद आ गई 31 की लाइन, 31 32 33 34 35। ठीक है ना,
35 तक हमने बहुत अच्छे से ये काउंटिंग सीख ली है और लिखना भी हमें आ गई है। इसकी वर्कशीट्स आपको मिलेंगी, असेसमेंट वर्कशीट्स होंगी, उन वर्कशीट से आपको और अच्छी प्रैक्टिस होती जाएगी। और वर्कशीट्स आपको कहाँ से मिलेगी बेटा? वर्कशीट्स आपको मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वेबसाइट का, आप वेबसाइट को ओपन करेंगे और वहां पे आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। उसमें बहुत सारे आपको आइडियाज मिलेंगे वर्कशीट के अंदर कि आप अपने नंबर, ये जो नंबर आप कर रहे हैं इनको मजीद अपने माइंड में रखने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिससे आपको मजीद वो अच्छे से याद होता जाएगा। तो उनकी लाजमी आपने प्रिंट आउट करानी है और बार बार घर पे करना है, ठीक है ना। तो आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा, समझ भी आ गया होगा, क्योंकि हम अपनी हर काउंटिंग में प्रीवियस भी रिवाइज करें, प्रीवियस वर्क को रिवाइज करें, प्रीवियस काउंटिंग को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की लर्निंग करेंगे। यहाँ तक हमने 1 से 35 को भी रिवाइज किया और ये भी सीखी है। तो मैं इजाजत चाहूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको एक बात बिल्कुल याद दिलाऊंगी, आपको पता है मैं क्या कहूंगी और आपने भूलना नहीं है और आपने आगे भी बढ़ानी है ये बात, कि इस चैनल को आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और आप अपने बाकी बच्चों को भी बोले कि भाई इसको सब्सक्राइब करें, देखें, इसमें देखें प्रॉपर आपको सिखाया जा रहा है और आपको मजा आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा, कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको और नई चीजें भी सिखाऊं। मैं सिखाऊंगी आपको बहुत सारी चीजें, आप मेरे साथ टच में रहिए, कनेक्ट रहिए, जुड़े रहें, देखते रहें, तो आपको और बहुत सारे आइडियाज भी मिलेंगे और लर्निंग की बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो मैं अब इजाजत चाहूंगी, लेकिन आपने जाने से पहले याद रखेंगे सारी बातें और अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।